नमस्कार साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में हार का मुंह सामने देखकर अब ऐसे हथकंडे अपनाने लगी है जिससे न तो प्रधानमंत्री जी के पद की शोभा बढ़ती और ना ही हमारे प्रजातंत्र की। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ राजस्थान से, हरियाणा से, पंजाब से भीड़ नहीं जुटा पाए क्योंकि भारी विरोध किसान वर्ग में, आम जनमानस में महंगाई और किसानों के साथ जो सोतेरा व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर है भाजपा के विरुद्ध, तो अब उल जरूर बातें की जा रही हैं। आज जेपी नड्डा जी ने, एक और सम्मानित केंद्रीय मंत्री महोदया ने बहुत सारी बेतुकी और बचकाना बातें कह दी। कुछ तथ्य इसलिए हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में, पंजाब में रैली कर, बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला, जो हमारा शहीद स्मारक है, और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर ले तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनंद फानंद में रूट लगाया गया क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर रखा था। बाकायदा गजेंद्र शेखावत जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राउंड्स की वार्ता उन किसान भाइयों से कर चुके थे। किसानों की 4 स्पष्ट मांगे हैं जो शायद भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होते हुए भी अनजान माने बैठे हैं। उनका ये कहना है, नंबर 1, के जो होम मिनिस्टर हैं अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे के खिलाफ मुख्य आयुक्त के रूप पर लखीमपुर खेड़ी कांड के अंदर चार्जशीट दायर की है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, उन्हें बर्खास्त किया जाए, पर मोदी जी उन्हें साथ लेकर घूमते हैं। दूसरा, उन्होंने मांग ये रखी है कि 700 किसान जो शहीद हुए उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। तीसरी, किसानों की ये मांग है कि सभी जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, ये सब वापिस लिए जाए। और चौथा उनकी मांग, जो उस समय मानी भी थी जब फार्मर एजुकेशन वापिस हुआ, कि MSP पर एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जल्द से जल्द MSP किसान को कैसे मिलेगा इस पर निर्णय करेगी। पर जिस दिन से किसान आंदोलन खत्म हुआ इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। इसे लेकर किसान संघर्ष समिति और दूसरे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी का कारकेट बाय रोड गुजरना था तो कुछ किसानों के लोग सड़क पर आ गए, इसलिए प्रधानमंत्री जी को 15 मिनट तक रुकना पड़ा। आप मुझे बताइए, क्या उन किसानों को पुलिस द्वारा गोली मार देनी चाहिए थी, क्या उनकी खोपड़ियां उड़ा देनी चाहिए थी, या फिर उन किसानों को वहां से हटाने का प्रयास करना चाहिए था? मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया
कि अब क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं, वहां तो अमरिंदर सिंह जी बैठे हैं, जो 10,000 के करीब सिक्योरिटी पर्सनल है वो बैठे हैं, और 2-4-5,000 बीजेपी के लोग बैठे हैं, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापिस चले गए। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री जी से भी, भाजपा के नेताओं से भी, पंजाब में आपका भी उतना हिस्सा जितना हमारा है, ये देश हम सबका है, आइए रैली करिए। परंतु जब भीड़ ना जुटा पाए रैली में, तो बहाना बनाकर वहां की कांग्रेस की सरकार पर दोष मत मनाइए, ये अनुचित है, प्रजातंत्र में ये सही नहीं। और इस रैली का इस्तेमाल यूपी के हारे हुए चुनाव में इस्तेमाल करने की कोशिश मत करिए। प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। हमने 2-2 प्रधानमंत्री इस देश को कुर्बान किए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी। हमें मालूम है कि सुरक्षा क्या होती है, और हमारे प्रधानमंत्रियों ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि उनके लिए देश सबसे बड़ा है। प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा है कि उसके सामने राजनीति सामने आ ही नहीं सकती। जिस प्रकार की आपत्तिजनक शब्दावली का इस्तेमाल भाजपा की केंद्रीय मंत्री कर रही हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसे हम कंडेम करते हैं। राजनीति राजनीति की जगह होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को राजनीति के अंदर घसीटना अनुचित है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पूरी तरह से पंजाब सरकार ने की, 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए। अगर प्रधानमंत्री अपनी मन मर्जी से रूट बदलते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, पर अगर कुछ 100-200-500 हजार किसान सड़क पर आ गए और उन्हें हटाने में 15 मिनट की देरी हो गई, तो पुलिस पर या सरकार पर या श्री चरणजीत चन्नी पर इल्जाम लगाना अनुचित है। कांग्रेस पार्टी जब भी प्रधानमंत्री आएंगे, हमारी सरकारें उन्हें पूरा सहयोग देंगी। इस प्रकार की हारी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका 0 जनाधार है पंजाब के अंदर और जो शायद 1 सीट भी ना ला पाए, इस प्रकार की उलझुल बातें करके वो जानबूझकर प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी दूषित कर रहे हैं। रैली में आदमी आप नहीं ला पा रहे, जनादेश आपके पास नहीं है, भीड़ आप जुटा नहीं पा रहे, लोग आपके विरोधी हैं, किसान आपसे उत्तेजित है, किसान की मांग आप मान नहीं रहे और इल्जाम आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, इसलिए अपनी कमियों का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना बंद कीजिए। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो प्रणव जी एक एक करके स्वागत है। रणदीप जी, मेरा सवाल है सर, इन इंग्लिश आल्सो, न्यूज नेशन से मोहित दुबे हूँ सर। अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी, मोहित जी मेरी आवाज आ रही है? रुक जाएं मोहित, कैन यू प्लीज वेट, वेरी ब्रीफली आई विल से इट इन इंग्लिश। जी सर, आपने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं। जी एक मिनट रुक जाए, पहले इंग्लिश में बोल लेते हैं वो सो मोटो, उसके बाद फिर आपके सवाल लेंगे। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, थैंक यू मोहित। पंजाब विटनेस्ड एन अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल ड्रामा बाय ए बीजेपी विच हैज लॉस्ट रिटर्न ऑन इट्स फेस, विच हैज बीन रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब एंड इज बीइंग रिजेक्टेड बाय द पीपल ऑफ यूपी एज ऑल्सो अदर इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, फियरिंग complete wipeout in the 5 election going assemblies, BJP has tried to create a political drama of a so-called breach in the security of the Prime Minister. We reject the charge completely and comprehensively. Some facts are sacrosanct and they need to be known. Firstly, Prime Minister was to address a rally in Firozpur today. He was to land by air at the Bhatinda Air Force Base and was to travel by a chopper to Firozpur. 10,000 security personnel, please mark it again, nearly 10,000 security personnel have been deployed for the security of Prime Minister's rally. Prime Minister was to take a helicopter journey
But as there were hardly any people in the rally and Prime Minister and BJP came to know about it, they were deeply unnerved. And in order to gain some more time or to find an excuse, Prime Minister decided last minute to travel by road to Husseiniwala and then to rally. Since he is the Prime Minister, it is his discretion. Necessary route was again deployed by the Punjab police. As Prime Minister was proceeding, the Kisan Sangharsh Committee and other farmers, they blocked a few hundred of them, they had blocked the way. As police was clearing them, Prime Minister's carcade had to wait for about 15 minutes. Prime Minister did not wait, returned, and then said, this is a security breach. I'm asking as a reasonable person and not as a congressman, what should the police have done if the farmers suddenly came and they blocked the road to protest against Prime Minister Modi and BJP? Should they have been shot dead? Should we have fired and killed all those farmers? Or should the police would have tried to physically lift and remove the block as the police was trying to do? To do anything else would be unreasonable. How is that a security breach? And that also when Prime Minister was not supposed to travel by road and he decided so at the last minute. In garb thereof, Prime Minister cancelled his rally. The rally was actually cancelled because there were empty chairs and there was nobody to listen to the Prime Minister. Does the Prime Minister and the BJP understand what the farmers have been demanding? Post the withdrawal of the farmers' agitation and after the repeal of the three laws, what was also promised to them was as follows. They have been demanding sacking of Union Minister of State for Home, Ajay Mishra Teli, whose son has been now accused as the principal accused in the Lakhimpur Kheri massacre of farmers. Farmers have been demanding compensation for each of the kin of the 700 farmers who sacrificed themselves in the 380 days long farmers' agitation. Farmers have also been demanding withdrawal of false and fake criminal cases lodged against them in Delhi, in Haryana, and in Uttar Pradesh by the BJP governments. And most importantly, farmers have been demanding constitution of the committee for a decision on the architecture of minimum support price. For we all know that the MSP architecture is an important issue that the farmers have been asking for. This is all that the farmers have been demanding. Mr. Gajendra Shekhawat, who's in charge of Punjab and is a union minister, has had two rounds of discussion with these farmers. As Prime Minister was proceeding, they were protesting on the road. They suddenly came. Police was removing them. There was a 10 to 15 minutes time lag which it was taking to remove the farmers. Police could not have opened fire and started shooting down the farmers. Police was using reasonable force as to be used in such situation with reasonable sense. But Prime Minister got an opportunity, BJP got an opportunity to cancel the rally. So we would urge upon Bharatiya Janata Party, as also the Union government, as one of their minister was using intemperate words. Instead of using intemperate and obnoxious excuses for being rejected by the people of Punjab and about to be rejected by people of UP and other election going states, let's play politics and let's not bring down the prestige of the office of the Prime Minister by making such statements. Prime Minister is welcome to come to Punjab. We will ensure all security. Congress Party has sacrificed two Prime Ministers, Shrimati Indira Gandhi and Shri Rajiv Gandhi. We know how important security of the Prime Minister is. Our Chief Minister and our governments will ensure that full security is given to the Prime Minister. Not like the government of Gujarat who ensured that there was attack on the carcade of Shri Rahul Gandhi. We will never let that happen. We will never let anybody take law into their own hands. So let's not bring down the prestige and position of the office of the Prime Minister by petty political drama and politics.
Any questions you are now welcome to ask. Pranav ji, please ask one by one. जी सर, मैं सवाल please call out the name. मैं एक सूचना आपके लिए सर, कि जब आप अभी सुमोटो बता रहे थे तो पंजाब के प्रभारी हरीश चौधरी आपसे संपर्क करके ये सूचना देना चाहते थे कि वहां के डीजीपी के कार्यालय ने आधिकारिक रूप से ये बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यालय से ऑल्टरनेटिव रूट अरेंजमेंट करने का पहले से कोई सूचना नहीं थी. उन्होंने चॉपर फ्लाइट कैंसिल करके और इमीडिएटली उनसे रूट प्लान करने को कहा. इस बारे में वो जानकारी भी देंगे आगे थोड़ी देर में. मैं सवाल लेता हूँ पहला मोहित दुबे जी का. मोहित मोहित जी बताइए, अनम्यूट करिए. सर अभी आपने सर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भीड़ नहीं थी और रूट अचानक उन्होंने बदल दिया. पहले उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना था और अचानक उन्होंने जो है गाड़ियों से जाने का फैसला कर लिया. ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी आपके आरोप लगा रही है और कह रही है कि सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की लापरवाही की वजह से हुई है. लिहाजा पंजाब सरकार में जो मौजूदा वक्त में सीएम है चन्नी, उनको इस्तीफा देना चाहिए. और दूसरी ओर पंजाब में पंजाब कांग्रेस के कई नेता सुनील ने भी सवाल उठाए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चमंद होनी चाहिए थी, किसी की जिम्मेदारी इस पे तय होनी चाहिए. आदरणीय साथी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या. मुझे विश्वास है कि आपका चैनल वहां होगा, नहीं होगा तो ये देख लीजिए. ये है प्रधानमंत्री जी की रैली की तस्वीर, क्या देख पा रहे हैं. अब अगर प्रधानमंत्री जी की रैली में भीड़ नहीं आ रही तो हम क्या करें. जी जी बिल्कुल. और ये वीडियो मैंने बाकायदा ट्वीट किया है. अब प्रधानमंत्री जी की रैली में कुर्सियां खाली हैं, प्रधानमंत्री जी को कोई सुनने नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बहुत विरोध है. खुद राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री जी का क्या रवैया है देश के किसान के लिए, कितना घमंड प्रधानमंत्री मोदी जी में है और कितना उनके मन में प्रतिरोध है देश के किसान के लिए, ये सतपाल मलिक जी ने बताया. हमने इसको परसों रेज भी किया था. अब ऐसे में जब किसान विरोध कर रहे हैं, पंजाब के लोग प्रधानमंत्री को सुनने नहीं आना चाहते, आप राजस्थान और हरियाणा से भीड़ नहीं जुटा पाए और इसलिए आपको रैली कैंसिल करनी पड़ी, इसका ठीकरा आप पंजाब सरकार के सर क्यों फोड़ रहे हैं. सब जानते हैं कि बीजेपी को पंजाब में कैंडिडेट्स भी पूरे नहीं मिल रहे, पर ठीक है, राजनीति में कभी ऐसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे चलता है. महत्वपूर्ण बात यह है, आज भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को अपने किसान विरोधी रवैये के बारे में अंतर मंथन करना चाहिए. प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में ना कोई चूक हुई, ना कभी हम होने देंगे. प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, हम उनकी सुरक्षा हमेशा सुनिश्चित करेंगे और इसीलिए 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल लगाए गए थे. धन्यवाद. सॉरी, कई सवाल पहला पूछना था. हिंदू से मैं आता हूँ के बाद आपके पास संदीप. कैन यू हियर मी? Yes, I can hear. Yeah, first of all, get well soon. Wishing you a speedy recovery. Second question is that, you know, the BJP has objected to one of your youth leaders tweeting saying, Modi ji, how's the Josh? As a senior leader of the Congress, you think this tweet was in bad taste? I completely agree that no Congress person should be tweeting or commenting upon the rally in this fashion. But I also take strong exception to the intemperate language bordering on political instability being used by a union minister at 5 o'clock. While I reject the Twitter remark made by a youth Congress leader, I also condemn the highly intemperate remarks being made by the president, by a union minister at the BJP headquarters press conference today. 10,000 security personnel are not deployed in anybody's rally in India except Mr. Modi's rally. So Congress government was well aware that farmers were protesting, and that's why we had done the deployment.
Prime Minister changing his program at last minute, as my friend and colleague just said, is not in our domain. He is the Prime Minister. But if you change your route as also program at the last minute, fresh security has to be deployed along the route. SPG should have advised him not to travel by road when there were no advance arrangements made. And I ask you as a reasonable person, if say 400, 500, 700 farmers had come and blocked the road, should we have shot them dead? Should we have opened fire? Then you would have been asking me today in this press conference, why could you not physically remove them? Either by lathi charge or water cannon or by physically removing them. They are not terrorists who had come. There is no breach of security. Please understand, Sandeep ji, these were people who are protesting against the anti-farmer mindset of Modi ji and BJP. They are neither militants, nor Naxalites, nor terrorists. Sir. And that's why they were being physically removed. There was a lag of 15 minutes in them being physically removed. Prime Minister saw this as an opportunity to cancel the rally in which there was nobody to listen to him. Thank you. Thank you. Mausmi, your master. जी आ रही है, नमस्कार सर, गेट वेल सून। पहले तो आप अस्पताल में हैं। थैंक यू जी सर, ये आपने अपना पक्ष रखा जो भी पंजाब सरकार की तरफ से, दो तीन चीजें जो अहम है और लगातार भाजपा भी इस मसले को उठा रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का जब काफिला रुका तो फोन पर नहीं आए पंजाब मुख्यमंत्री, क्यों? दूसरा कि लगातार खालिस्तान का टेरर का की चिंता है, थ्रेट है पंजाब में। अभी लुधियाना में ब्लास्ट भी हुआ था कि क्या 15 मिनट अगर प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है तो क्या वो इतनी मामूली बात हो जाती है? क्या ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से डाउनप्ले करने की कोशिश है कि कुछ किसान थे वहां पे मौजूद, उसमें कोई मिसक्रिएंट भी हो सकता था, कोई बैड एलिमेंट भी हो सकता था और कोई भी अनहोनी हो सकती थी। क्या ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी पंजाब सरकार और प्रशासन के पास कि अगर उनके पास एक रूट, सेफ रूट नहीं था तो वो मना कर देते? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अगर 20 मिनट में भी प्रधानमंत्री के काफिले ने रोड रूट मांगा था तो मंजूरी देनी ही थी? क्या इसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की नहीं बनती? और तीसरा, सुनील झाकड़ साहब ने अलग व्यू रखा है कि ये पंजाबियत के खिलाफ है, एक सेफ रूट देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, तीनों देखिए बात बड़ी सीधी है। प्रधानमंत्री जी कभी भी बाय रोड जाने वाले नहीं थे, उनका ऐसा कोई प्रोग्राम पंजाब सरकार को नहीं दिया गया। अगर प्रधानमंत्री जी स्वयं लास्ट मिनट पर अपना रूट बदलते हैं तो उसकी जिम्मेवारी का ठीकरा पंजाब सरकार पर फोड़ना गलत है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी केवल एक एजेंसी की है, बाकी सब उनको सपोर्ट करने वाली एजेंसियां हैं, वो है एसपीजी। एसपीजी को ये असेसमेंट करके बतानी है कि प्रधानमंत्री उस रूट पर बाय रोड जा सकते हैं या नहीं। पंजाब सरकार उसे खारिज नहीं कर सकती। शायद आप एसपीजी एक्ट नहीं पढ़ा, आप दोबारा पढ़ लें। अगर प्रधानमंत्री जी ने खुद निर्णय कर लिया कि वो किसी रूट पर जाएंगे तो पंजाब सरकार उन्हें मना नहीं कर सकती कि वो ना जाए। ये पंजाब की पुलिस और सरकार को बोल दिया गया कि प्रधानमंत्री अब चौपर से नहीं जाएंगे, अब वो रोड रूट से जाएंगे। वो इंतजाम करिए, वो इंतजाम किया जिस प्रकार का हो सकता था। अगर कहीं किसान बीच में आ गए, वो प्रधानमंत्री के काफिले के नजदीक नहीं, प्रधानमंत्री का काफिला उनको दिखा भी नहीं, पर क्योंकि उन्हें जब जैसे ही ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री रोड रूट से जा रहे हैं और कुछ किसान सड़कों पर अगर आ गए, तो आप मुझे बताइए आज तक पर कि क्या उन्हें गोली मार देनी चाहिए थी? क्या गोली मारकर या फायरिंग करके वो रूट क्लियर करना चाहिए था, या फिर उन्हें शारीरिक तौर से हटाकर या हल्के लाठी चार्ज से वो रूट क्लियर करना चाहिए था? ऐसे में अगर आप रूट क्लियर करेंगे तो 10 से 15 मिनट लगना स्वाभाविक है।
या फिर आप फायरिंग कर देते तो आज आप डिबेट करवा रहे होते कि हमने फायरिंग क्यों की, इससे हम प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सही बात थी वो की गई, प्रधानमंत्री जी का काफिला 15 मिनट रुका, ये सही बात है, नहीं रुकना चाहिए था एक सेक्शन के लिए भी, पर अगर वो रूट लास्ट मिनट पे बदलेंगे तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इसका जवाब भी जरूर एसपीजी प्रधानमंत्री कार्यालय से मांगना चाहिए। एसपीजी ने पूरी असेसमेंट क्यों नहीं की, लास्ट मिनट पे रूट क्यों बदला गया, लास्ट मिनट पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्यों बदली गई, किसके कहने से बदली गई, क्या प्रधानमंत्री जी को एसपीजी ने हर बात के लिए अवगत करवाया? पंजाब सरकार ये निर्णय नहीं कर सकती, ये निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं क्योंकि वो देश के सबसे बड़े हैं प्रधानमंत्री। हम जो यथासंभव अरेंजमेंट कर सकते हैं उन हालात के अंदर लास्ट मिनट में वो किए गए, तो इतनी सी ही बात है। अब इसका बात का बतंगड़ बनाकर इसे खालिस्तान से जोड़कर बिल्कुल गलत है। पंजाब के लोग ना खालिस्तानी है ना उग्रवादी, उनको इस नजरिए से देखना अनुचित है और मैं इसको कंडेम करता हूं इस बात को। एक सवाल मैं जल्दी से अरुण सिंह का लेता हूँ, गाड़ी से बैठे ज्वाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। अरुण जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आपको। हाँ कि एमएचए ये कह रहा है कि भटिंडा से जब मौसम खराब था चौपर से वो नहीं जा सकते थे इसलिए रूट बदलना पड़ा, और जब रूट बदला गया तो ड्यू कोर्स में प्रोसेस के तहत प्रोटोकॉल के तहत डीजीपी को सूचना दी गई, ये सूचना सिर्फ पुलिस के पास, प्रधानमंत्री अब रोड से जाएंगे, ये बात कैसे उनको पता चली, इतना जल्दी कैसे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया, यानी वो एक तरह से कनाइवेंस का आरोप लगा रहे हैं वहां की पुलिस और किसानों के बीच। अरुण जी ये बिल्कुल अनर्गल बयान बात है, आप दुर्भाग्य से आप सब साथी और आप बहुत जुम्मेवार पत्रकार हैं, आप सोर्स बेस्ड हमसे सवाल पूछते हैं। मुझे नाम तो बताइए जो एग्जाम लगा रहा है, मैं आपको जवाब दूंगा, उसका नाम बताइए। एमएचए में अमित शाह जी ने कहा, आपको होम सेक्रेटरी ने आपको कहा, आपको अजय मिश्रा टेनी ने कहा, किसने कहा, नाम बताइए। कोई भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस प्रकार के सवाल आपको फीड करता है, आप उनको सरकार का वर्जन मानकर हमसे सवाल पूछने लग जाते हैं। आपको स्मृति ईरानी जी ने कहा, उन्होंने तो पत्रकार वार्ता की थी, उन्होंने तो कहा नहीं, तो न्यूज 18 क्यों अपनी मर्जी से ये सवाल बना रहा है। मेरे ख्याल नेटवर्क में उनके दिक्कत है, पूरी बात नहीं आ पा रही है। आप बिल्कुल हॉस्पिटल के कमरे में बैठे इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना एक वक्तव्य पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि कुछ वहां जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके हवाले से ये बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपने सीएम को कह दीजिएगा कि आज आपका पीएम जो है वो आज जिंदा वापस चला गया है। ये बयान बड़ा गंभीर बयान है अगर इसका मायना समझा जाए तो, आप इसको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको देख रही है? पहली बात तो ये प्रधानमंत्री जी का बयान है ही नहीं, तो मैं क्यों टिप्पणी करूं। आदरणीय मित्र में यही अभी कह रहा था, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर किसी व्यक्ति को बगैर कोर्ट किए कुछ भी कह देते। दूसरी बात मुझे बताइए, क्या पंजाब के लोग उग्रवादी हैं? क्या पंजाब के सब लोग खालिस्तानी हैं? क्या पंजाब के लोग नक्सलवादी हैं? नहीं, पंजाब के लोग हिंदुस्तान का उतना ही अभिन्न हिस्सा है जितना कोई और। और न प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को या उनकी जान को कोई खतरा पैदा हुआ, न प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई बात कही, न स्मृति ईरानी जी ने ऐसी बात कही, न होम मंत्रालय ने ऐसी बात कही, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर वहां के ऑफिशियल्स प्रधानमंत्री, मैंने इसीलिए कहा, क्या प्रधानमंत्री जी के ट्विटर पर यह बात लिखी है? क्या प्रधानमंत्री जी ने ANI को कोई ऐसा बयान दिया है?
ना। क्या स्मृति ईरानी जी ने प्रधानमंत्री के बिहाफ पे कोई बात कही है? क्या पीएमओ ने ऐसा कोई बयान जारी किया है? क्या अमित शाह जी ने ऐसा कोई बयान जारी किया है? क्या गजेंद्र शेखावत जी ने ऐसा कोई बयान जारी किया है? तो ये नहीं क्यों कह रहे जो वो सब नहीं कह रहे? मेरा क्यों नहीं कहना? इसलिए मेरे मित्र सर, मेरा सवाल ही यही था कि वहां की ऑफिशियल्स ने ये बयान दिया है, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे उस ऑफिशियल का नाम बताइए मेरे मित्र। मैं कह रहा हूं अगर आपको... अब एक बार बताइए कोई अधिकारी, मैं एक सेकंड के लिए आपका समय चाहूंगा, आप एक अच्छे जुम्मेवार पत्रकार, कोई भी अधिकारी, कोई एएसआई, कोई इंस्पेक्टर, कोई डीएसपी प्रधानमंत्री के बिहाफ पे बयान दे सकता है? आप मुझे बताइए भाई, अगर प्रधानमंत्री जी को कोई बयान देना है तो वो खुद देंगे, अपने ट्विटर पर लिखेंगे, पीएमओ देगा, होम मिनिस्टर अमित शाह देंगे, स्मृति ईरानी जी ने जिन्होंने पीसी किए वो देंगे, जेपी नड्डा साहब बीजेपी के प्रेसिडेंट देंगे। उनमें से किसी ने कहा नहीं, हम वैसे ही चला रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पे। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से बातें बरगलाई जाती हैं, ये बहुत खेदपूर्ण है। ना मोदी जी ने ऐसी कोई बात कही तो हम क्यों उस बात का जवाब दें? और दूसरी बात, एक एक क्षण के लिए बात आप मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी की जान को क्या कोई खतरा पैदा हुआ था? क्या कोई उग्रवादी वहां आया था? क्या कोई नक्सलवादी वहां आया था? क्या किसी ने कोई गोली या बम वहां चलाया था? क्या प्रधानमंत्री जी की कार या कारकेड की तरफ एक पत्थर या एक कंकर भी फेंका गया था? क्या प्रधानमंत्री जी की कार या कारकेड के पास कोई चिड़िया भी आ पाई थी? आदमी तो बहुत बड़ी बात है। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो हम इस प्रकार की अनर्गल बातें कर क्यों रहे? थैंक यू सर। एक सवाल रमन जी का है, फिर विक्रांत भी बैठ रहे हैं। रमन जी, रणदीप जी, ये आपने सही कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेसिस पे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन ये बात भी सही है कि गृह मंत्रालय में जो अधिकारी होते हैं वो अपना नाम कभी भी कोट करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि नहीं, सोर्स बेस पे आपको चलाना, ये जानकारी हमारे पास है, क्योंकि अगर हम कोट करेंगे उनका नाम तो नेक्स्ट टाइम से वो हमसे बात नहीं करेंगे। तो इस आधार पे जो जानकारी केंद्र सरकार के हवाले से कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री पंजाब में लैंड किया प्रधानमंत्री का विमान, तो उस वक्त ना मुख्यमंत्री, ना चीफ सेक्रेटरी, ना डीजीपी कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जब उनका कैवलकेड 15 मिनट तक वेट किया किसान आंदोलन के चलते, उस वक्त डीजीपी की गाड़ी काफिले में नहीं थी जो कि अमूमन होना चाहिए थी। तो क्या उनको पहले से अंदाजा था कि ऐसा कुछ अनहोनी होनी है? दो बातें आपने कही और मैं सवाल अच्छा किया आपने पूछ लिया, मुझे बताना चाहिए था। जब भी प्राइम मिनिस्टर इस प्रकार से रैलीज इत्यादि एड्रेस करने आते हैं तो या तो खुद मुख्यमंत्री आते हैं या कैबिनेट मिनिस्टर इन वेटिंग को डेजिग्नेट किया जाता है। इस रैली के लिए प्रधानमंत्री के आगमन में उनके स्वागत के लिए बाकायदा हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मनप्रीत सिंह बादल, वो पंजाब सरकार द्वारा डेजिग्नेट किए गए, गवर्नर साहब वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री जब भटिंडा में लैंड किए तो मनप्रीत सिंह बादल जी ने बाकायदा पंजाब सरकार की ओर से उनका स्वागत किया और उनकी आवागाही की। माननीय राज्यपाल जी भी उस समय मौजूद थे, पहली बात। दूसरी बात, जब प्राइम मिनिस्टर लास्ट मिनट पे अपना रूप बदल लेंगे और अगर डीजीपी किसी और जगह हैं, तो ऐसा कौन सा जादू है कि डीजीपी उड़कर उस कारकेड में शामिल हो जाएंगे? और आदरणीय साथी, हमारी जिम्मेवारी है सुरक्षा प्रदान करने की। डीजीपी कारकेड के अंदर शामिल हो तो सुरक्षा ज्यादा थोड़ी हो जाती। प्रधानमंत्री जी ने चौपर से जाना था, वो नहीं गए। लास्ट मिनट में जब देखा भीड़ नहीं है तो उन्होंने कहा बाय रोड जाएंगे, दो चार घंटे और लगेंगे तो शायद और लोग आ जाएं। फाइनली जब उन्होंने देखा लोग हैं ही नहीं और इधर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वो वापस चले गए। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में ना चूक हुई ना कभी हम होने देंगे। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं, परंतु आप रैली में भीड़ ना आए, कुर्सियां खाली हों, लोग आपको सुनने ना आए, उसका सारे का ठीकरा पंजाब की कांग्रेस की सरकार पर मत फोड़िए। हमारा केवल ये अनुरोध है।
और उल जलूल और बचकाना बातें इस आड़ में करना बंद कीजिए। और मैं एक और याद दिलाऊं, माफी चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री समेत मोदी जी के हमें उम्मीद है कि बहुत सबल हैं। याद करिए, और मुझे क्योंकि वैसे ही याद आ गया, जब एक बार राजघाट पर राजीव गांधी जी बतौर प्रधानमंत्री जा रहे थे तो दो शॉट्स फायर हुए। एसपी जी ने कहा कि नहीं ये शॉट्स नहीं है, उन्होंने कहा शॉट्स हैं, पर वो फंक्शन से गए नहीं। बाकायदा राजीव जी ने फंक्शन अटेंड किया, उसी रूट से वापस आए, बाद में पता चला कि हाँ दो शॉट्स फायर हुए थे। देश के प्रधानमंत्री इतने सबल होते हैं। याद करिए इंदिरा जी का उदाहरण, भुवनेश्वर में एक इलेक्शन की रैली में पत्थर मारकर जनसंघ जो भाजपा के लोग हैं शायद उनमें से एक ने पत्थर मारा था और उनकी नाक टूट गई थी, परंतु नाक टूटने के बावजूद भी वो पीछे नहीं बैठी, वो आगे बैठी रही और उन्होंने वो पूरी रैली वहां की थी। याद करिए राजीव जी जब तमिलनाडु गए थे तो बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ तो बहुत बड़ा नक्सलवाद है ये, पर वो तमिलनाडु में सारी रैलियां करके आए थे। हमारे प्रधानमंत्री बड़े सबल होते हैं, इसलिए आप उन्हें कमजोर मत मानिए। और यहाँ तो कोई इस प्रकार का सुरक्षा में कोई गड़बड़ थी ही नहीं। सर सवाल हो गए हैं, अभी भी रहते हैं। धन्यवाद।